आपके मंत्री के बेटे सरेआम पैसे ले रहे हैं, खाते में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, उस पर तो दही जम जाती है। आपको और आपके विभाग की जांच एजेंसियों को आ जाइए छत्तीसगढ़ पर, गोबर खाने का गोबर तक नहीं छोड़ा है। जो आदमी भूपेश सिंह बघेल इतना भयंकर भ्रष्टाचारी है, यानी उसने अपने नेता श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420, श्रीमान राहुल गांधी 420, तमाम 420 हाईकमान जो इनका है, उसके संकेत पर गोबर तक में घोटाला कर दिया, गोबर खाया, शराब पी और जुआ खेल गए, क्योंकि आप जो है उस भ्रष्टाचार के कीचड़ में सने हुए थे, भ्रष्टाचार का गोबर लगातार खा रहे थे आप। तो जो लोग भ्रष्टाचार का गोबर खाए हैं, जिनके मुख भ्रष्टाचार से कलंकित है, उनको बहुत पीड़ा हो रही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो होने वाला है रिपब्लिक भारत और जी न्यूज चैनल का। और दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर और साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज की डिबेट होगी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में काफी तीखी बहस आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका काम है पिछले 10-12 वर्षों से सिर्फ लोगों का चरित्र हनन करना, लोगों पे तोहमत लगाना, लोगों के अपशब्द कहना, आत्म प्रशंसा और पर निंदा में लीन रहना। आपके मंत्री के बेटे सरेआम पैसे ले रहे हैं, खाते में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, उस पे तो दही जम जाती है। आपको और आपके विभाग की जांच एजेंसियों को आप कहोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप कहोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से किसने किसना दिया, ये जानने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे वारे ईमानदार धुलाई मशीन वॉशिंग पाउडर साहब, गजब के आदमी है। पीएम केयर फंड सीक्रेट है, कहां से आया, किसको गया। बुरी तरह छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, बुरी तरह, डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगी। वहां पर छत्तीसगढ़ की सत्ता सिर्फ इनका जो बिग बॉस है मोडानी, उसके लिए चाहिए कि वहां की खदानें, वहां की इंडस्ट्रियां उसे सौंप दी जाए। कि आप वहां के पब्लिक के लिए बात नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सपूत भूपेश बघेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सम्मान को आप बेचने और दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। इतना ये भ्रष्टाचारी, इतना जो है दुराचारी, भ्रष्टाचारी व्यभिचारी, इतना मुख से भ्रष्टाचार भी क्यों करना चाहते हैं जी। ये 420 की पार्टी के लोग 1680 बंदर पे क्यों आमादा है, आराम से शांति से। देखिए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र पर जो आरोप लगा, जो फर्जी वीडियो कांग्रेस ने, फेक वीडियो जो चलाया, खुद इनकी प्रवक्ता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। किसने कहा? कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र ने स्वयं FIR कर दी। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं दीपक चौरसिया जी, आप कृपा करके बताइए ना, रिजर्व बैंक में कमिश्नर का कोई पोस्ट होता है क्या? वहां डायरेक्टर का पोस्ट है, वहां पर गवर्नर का पोस्ट है, वहां डिप्टी गवर्नर का पोस्ट है। आज तक आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कमिश्नर का पोस्ट सुना है क्या? उस फेक वीडियो में कमिश्नर का नाम बार बार आ रहा है, कमिश्नर के पद नाम का बारंबार उल्लेख किया जा रहा है, जो यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि वीडियो फेक है। कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इस तरह के फेक वीडियो बनाकर अपने विरोधियों को बदनाम करने का काम बहुत लंबे समय से करती रही। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ पर, गोबर खाने का गोबर तक नहीं छोड़ा है। जो आदमी भूपेश सिंह बघेल इतना भयंकर भ्रष्टाचारी है, यानी उसने अपने नेता श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420, श्रीमान राहुल गांधी 420, श्रीमान मोतीलाल वोरा बेचारे दिवंगत हो गए, वो भी 420 का मुकदमा झेलते हुए गए, तमाम 420 हाईकमान जो इनका है, उसके संकेत पर गोबर तक में घोटाला कर दिया, गोबर खाया, शराब पी और जुआ खेल गए। अब 508 करोड़ रुपए की राशि जो पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वह जो कैश कुरियर है, बाकायदा राशि कैसे उसको मिली उसकी जानकारी दे रहा है, और कांग्रेस के काउंसिलर का ड्राइवर रहा है वो, और उसने जो है शुभम सोनी ने जो बयान दिया है, अब कह रहे शुभम सोनी जो है वो अपने साथियों पर 250 करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहा है। आप पहले बताइए ना कि 508 करोड़ रुपयों की राशि आपको मिली कि नहीं मिली, उस राशि को आपने कैसे बांटा, आपने शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए आप ही के महापौर, नकली शराब आप बनाए, बोतलों पर पैकिंग आप कर दें, आप लाइसेंस भी की दुकानों पर जो है नकली जो है शराब बेचे, उसमें भी पैसे से आपका पेट न भरे तो जुए खेलने पर आमादा हो जाए, गोबर खा जाए, आपकी यह दुर्दशा है तो छत्तीसगढ़ की जनता भली बात जानती है कि क्यों TS सिंहदेव को जो वादा किया गया था 2.5 साल के चीफ मिनिस्टरशिप का, चूंकि गांधी परिवार जो 420 के केस में अभियुक्त है,
जो 400 बीसी के केस में अपनी पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस समाचार पत्र की स्थापना की थी उसके पैसे खा गए। इतने निकृष्ट किस्म के भ्रष्टाचारी हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्यार्जन को भी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी, और श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420 बन के वो पैसा पचा गई, राहुल गांधी वो पैसा डकार गए, हवाला रूट से पैसा आया और बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय ने उस हवाला कारोबारी को भी पकड़ा उसी तरह का हवाला के कारोबार से। आप बताइए ना, डेढ़ साल से आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डेढ़ साल में आपने उस ऐप को बंद करने के लिए आईटी मिनिस्टर को पत्र कब लिखा और क्यों नहीं लिखा? आईटी मिनिस्टर को पत्र लिखना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी थी। जैसे ही केस ईडी ने जैसे ही केस को पकड़ा, ईडी ने पत्र लिखा, तो आपने क्यों पत्र नहीं लिखा? इसका कारण यह था क्योंकि आप जो है उस भ्रष्टाचार के कीचड़ में सने हुए थे, भ्रष्टाचार का गोबर लगातार खा रहे थे आप। तो जो लोग भ्रष्टाचार का गोबर खाए हैं, जिनके मुख भ्रष्टाचार से कलंकित है, उनको बहुत पीड़ा हो रही है कि प्रवर्तन निदेशालय उनकी जांच क्यों कर दे रहा है। भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जब श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और नेशनल हेराल्ड की जांच का आदेश अदालत ने दिया, जांच शुरू हुई तो राष्ट्रपति भवन पर मार्च कर रहे थे। मैंने भ्रष्टाचारियों का आपने दुस्साहस देखा है? ठीक है, वो जांच एजेंसी इनकी जांच नहीं करे रहे भाई। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए क्या ये 1680 लोग? दोस्तों, सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखेगा। बात की दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की ये डिबेट 2024 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर और साथ ही दोस्तों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज की डिबेट थी, जिसमें दोस्तों सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब का कहना था कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जो कि चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप के अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस का ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बीजेपी बेमतलब की कार्रवाई करवाई है ईडी के द्वारा उनके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर। खैर दोस्तों, ये तो राजनीति का विषय है, कौन सही है कौन गलत है तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं महादेव बेटिंग ऐप के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला दिखाई दे रहा है हर किसी को। खैर, आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोज़ के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।